आज का हमारा विषय है, ये हमारे पास HP का लैपटॉप है, देखते हैं इसमें क्या खराबी है। लैपटॉप को हमने चालू किया और ये देखिए इसमें हमें स्क्रीन है ना डबल डबल दिखाई दे रही है, ये खराबी है इसमें। लाइनिंग आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही इसकी, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरीके से ठीक करेंगे हम सीखते हैं। तो हम इसको शट डाउन करते हैं, हमें हमेशा लैपटॉप को प्रॉपर शट डाउन हुआ करना चाहिए। यदि हम डायरेक्टली पावर से शट डाउन हुआ करते हैं तो उसमें हमारी विंडो जो है करप्ट होने के चांसेस जो है, ये हमने इसको बंद कर दिया। चलिए ये लैपटॉप बंद हो चुका है, यहाँ पर अभी लाइट जल रही है और ये लैपटॉप हमारा बंद हो चुका है। बंद हो चुका है। अब देखिए इस लैपटॉप के अंदर सबसे पहली बात है, इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो लैपटॉप के अंदर ही लगा हुआ है, बाहर से बैटरी नहीं है। जबकि ज़्यादातर जो भी मॉडल आते हैं उनमें बैटरी बाहर रहता है, लेकिन ये नया मॉडल है, लेटेस्ट है, आजकल जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें बैटरी अंदर की ओर। तो अब सबसे पहले तो इस खराबी को ठीक करने के लिए हम देखेंगे कि हमें लैपटॉप कितना खोलने की आवश्यकता है। तो हमें इस लैपटॉप को लगभग पूरा खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो खराबी है इसके लिए मैं लैपटॉप के अंदर खोल के देखना पड़ेगा क्योंकि जैक वगैरह निकालना पड़ेगा। और इसको कैसे खोलते हैं सीखेंगे, इसको खोलने के लिए सबसे पहले जो भी स्क्रू हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सारे खोलेंगे। बाद यहाँ पर ये इसका स्लॉट है मेमोरी कार्ड और थोड़ा जब लैपटॉप को रिसीव करते हैं तो ये सावधानी रखते हैं कि जो भी डैमेज है इसमें, जैसे कैप नहीं लगा है और ये नहीं लगा है कैप, हाँ उसके थोड़ा सा हिंजिस की निकल रही है, तो ये कस्टमर को हम जो है बता देंगे कि इसमें भाई ये प्रॉब्लम पहले से है ना, तो कस्टमर बाद में हम भाई इसकी कैप कहाँ चले गए हम भी नहीं आना। जो भी डैमेज अगर आपको दिख रहा है तो कस्टमर को आपको पहले बताना है, हमने बता दिया है। ठीक है चलिए, तो यहाँ से तो इसमें खुलने का कोई सिस्टम नहीं है, उसको पीछे से देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर चूँकि स्क्रीन की प्रॉब्लम है, रैम इसमें पहले ही बदल के देख चुके हैं, रैम से प्रॉब्लम नहीं है, इसमें केबल से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हम इस केबल को निकालते हैं जैक को, देखते हैं कैसा है, ठीक है। अब चूँकि हमें इसको खोलना है तो अगर हम इस पूरे मदरबोर्ड को खोलेंगे तो हमें, और दूसरा इसको खोलने में क्या है कि यहाँ पर देखिए ये हिंज भी इसकी रिपेयर है, तो अगर हम इसको ज़्यादा खोलेंगे पूरा मदरबोर्ड निकालेंगे तो हमारी एक्सरसाइज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हमें रिपेयरिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कम से कम समय में इसको कैसे जो बनाए। तो हम इसको यहाँ से जैक निकालने के बाद और जो भी इसकी सप्लाई है, जैसे वाईफाई के तार भी निकाल देते हैं हम इसमें से, और तारों को निकालते समय हम थोड़ा ध्यान देंगे कैसे तारों को निकाल रहे हैं, इससे हमको लगाते समय कोई परेशानी ना हो। ये तारों को, ये तार ऑलरेडी टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर वाईफाई का एक तार टूट जाता है और अगर एक तार भी चालू है इससे भी हमारा वाईफाई काम जो है करेगा, ठीक है। हटा देते हैं। अब इसकी हिंज को चूँकि हमें रिपेयर करना है तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया हमने
और ब्रेड्स देखेंगे यहाँ का, और कोई जैक तो इसमें नहीं लगा, यहाँ तो नहीं लगा है। ठीक है, तो इसको खोलते हैं अपन। इसको खोलने के लिए यहाँ ऊपर से खोलेंगे हम इसको। अगर एक्चुअली रिपेयर्ड है तो हमें थोड़ा सा सावधानी से इसमें काम करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इसीलिए इसको फेविक्विक से भी चिपका रखा है, ये देखिए काफ़ी डैमेज तरीके से उसका रिपेयरिंग की हुई है, लेकिन फेविक्विक से भी चिपका दिया है। पेपर एलईडी स्क्रीन हमारी लगी हुई है, देखो ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से इसका काम किया है। सारे स्क्रू हमें खोल लेते हैं पहले हम। एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम है वो या तो स्क्रीन से रिलेटेड है या पत्ते से रिलेटेड है, तो हम एक बार स्क्रीन को बदल के देखेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो इसका पत्ता देखेंगे, क्योंकि पत्ता हमारे पास नहीं है इस मॉडल का, तो हम इसको पत्ते को रिपेयर करके देखेंगे। क्योंकि अगर इसमें रैम से प्रॉब्लम होती है, इसमें मदरबोर्ड आईसी से प्रॉब्लम होती है, उसमें स्क्रीन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। देखिए यहाँ पर ये पेचकस से नहीं खुल रहा था, क्योंकि ये छोटा स्क्रू था, तो हमने ये फोरकट पेचकस का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए अगर इस बड़े वाले पेचकस से ये छोटे स्क्रू खोलेंगे तो नहीं खुलते, तो यहाँ पर हम छोटे पेचकस का इस्तेमाल करेंगे। सावधानी हमें ये रखनी है इसको रिपेयर करते समय। एक मिनट, पहले इसकी स्क्रीन को निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने चारों स्क्रू खोल लिए और ये स्क्रीन का जैक लगा हुआ है, ये निकाल लेते हैं। देखिए इसमें सावधानी क्या रखना है हमें रिपेयरिंग करते समय। देखिए चूँकि अभी इसकी बैटरी मदरबोर्ड में कनेक्टेड है, और अगर हम यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग करते हैं खोलते हैं, तो आपको पता है कि इसमें सप्लाई इस समय आ रही है, जब हम चालू करते हैं तो यहाँ 19 वोल्ट सप्लाई आती है, जिससे इसकी बैटरी लाइफ बढ़ती है। और अगर वर्किंग में किसी वजह से लैपटॉप हमारा चालू हो गया और यहाँ पर वोल्टेज आ गए, तो हमें जब भी रिपेयरिंग जो करनी है तो हमें पावर को डिस्कनेक्ट जो करना चाहिए। पावर को डिस्कनेक्ट करने के बाद ही हमें किसी प्रकार की रिपेयरिंग जो करनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत जगह ये मान के चलो जैक लगाते हैं, निकालते हैं, अगर कहीं पर भी जरा भी शॉर्ट हो गया तो धुआं निकलता है, राइट। किसी भी लैपटॉप को जब हम रिपेयर करते हैं तो सप्लाई को पहले निकालना है, क्योंकि इसकी सप्लाई इमिडेट है, तो हम इसकी बैटरी को खोल लेते हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बाद हम इसकी रिपेयरिंग करते हैं। इसमें बैटरी चूँकि इमिडेट लगा हुआ है अंदर है, छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम जरा भी गलती इसको करते हैं तो हमारी चीज खराब हो सकती है। चलिए जैक लगी हुई है, उसको निकाल देते हैं, ये बैटरी हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, राइट। अब इस लैपटॉप में किसी तरह का कोई पावर नहीं, अब हम इसको ठीक करते हैं, हमको इसको निकालना है। जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम है हमारी, सॉरी
वो डिस्प्ले से रिलेटेड है, तो अब हम इस जैक को रिपेयर करने के लिए एक काम करते हैं। अब हम इस केबल को थोड़ा सा निकाल लेते हैं और अपना ये देखते हैं कि इसी तरीके से इसमें काम जो करना है वो सारा काम हम पहले करेंगे। ये वायर वगैरह जो हैं इनको निकाल देते हैं, ये हमारा वाईफाई का वायर है इसको निकाल देते हैं। हमारी कैमरे की सप्लाई इसमें लगी हुई है तो हम इसको भी निकाल देते हैं, ओके बाद में लगा देते हैं। ये पूरी सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी है और हम इस पैनल को भी निकाल देते हैं। पेचकस से ना हमारा हम इस पैनल को निकालने से क्या होगा, जब हम इसको इसको देखते हैं पूरी शुरू करेंगे इसको निकाल देंगे। चिपका हुआ है एक्चुअली, तो उसको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हिंज क्या रिपेयर किया हुआ है, ठीक है तो हम इसको निकालते नहीं हैं। फिर इसमें मैग्नेट देख लेते हैं, इसमें मैग्नेट कहाँ लगा हुआ है, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है अब हम इसको ठीक करते हैं। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले इसका पत्ता चाहिए हमारे को, ये रहा। अब सबसे पहले इस ख़राबी में हम LCD बदल करके देखेंगे, ठीक है। LCD बदल के देखने के लिए हमारे पास LCD होना चाहिए, तो हम LCD लेके आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसमें LCD बदल के देखते हैं। LCD को बदलने के लिए इस जैक को हमने ये लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसकी हिंज टूटी हुई है इसके लिए हम इसको खोलेंगे नहीं। यहाँ पर हम इसका जैक लगाएंगे और इसकी बैटरी लगाएंगे। और ज़रा इसको एक मिनट चालू कीजिएगा, ओके। ये दूसरी स्क्रीन हम लगा के देख रहे हैं इसमें, बट इसमें स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमारे पास एक ख़राब LCD लगी हुई है चेक करने के लिए, कोई बात नहीं है इसको बंद कर दीजिए। एक मिनट ज़रा डिस्प्ले को जो पकड़